टेंथ क्लास के रिजल्ट से रिलेटेड एक न्यू अपडेट। सीबीएसई एक पॉलिसी लेके आने वाली है जो रिजल्ट आएगा, और ये पॉलिसी क्यों लेके आने वाली है इसका मैं रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो जिनका इंटरनल असेसमेंट से जो रिजल्ट बनता है, यानी स्कूल के अंदर जो असेसमेंट होता है उससे जो रिजल्ट बनता है उनके बेसिस पे वो फेल हो रहे हैं। अब जो बच्चे इंटरनल असेसमेंट में ही फेल हैं, अब उनके लिए सीबीएसई सोच रही है कि किस तरह से उनके लिए रिजल्ट बनाया जाए। तो लास्ट ईयर भी एक मॉडरेशन पॉलिसी आई थी, और मॉडरेशन पॉलिसी क्या है, जिसमें अगर मॉडरेशन पॉलिसी नहीं आती तो 75% के आसपास सीबीएसई का रिजल्ट रहता। लेकिन लास्ट ईयर सीबीएसई का रिजल्ट 92% बना था, उसका मेन रीज़न था मॉडरेशन पॉलिसी। अब मॉडरेशन पॉलिसी एक्चुअल में करती क्या है, जो फेल हुए हैं स्टूडेंट उनको पास करती है, और फेल हुए स्टूडेंट जिनको पास करेगी तो जिससे ओवरऑल परसेंटेज पासिंग स्टूडेंट का बढ़ जाएगा। ठीक है, ये मार्क्स को नहीं बढ़ाती मॉडरेशन पॉलिसी, ये केवल जो फेल स्टूडेंट हैं उनको पास करती है। अगर फेल स्टूडेंट पास हो जाता है तो जो पासिंग स्टूडेंट हैं उनका परसेंटेज भी बढ़ जाता है। तो ये मॉडरेशन पॉलिसी है, और आगे इससे रिलेटेड और कोई भी अपडेट आएगा, टेंथ या ट्वेल्थ क्लास या और कोई भी न्यूज़ अपडेट आएगा वो हम लेके आएंगे एजुकेशन से रिलेटेड। ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट अपडेट।